मैं आज पोटेशियम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ऑर्गेनिकली पोटेशियम किस तरह लिया जाता है, क्या है पोटेशियम, उसकी क्यों दिया जाता है और उसके इस्तेमाल से प्लांट में किस तरह फ्रूटिंग होती है और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है और ऑर्गेनिकली पोटेशियम किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाए, मैं उस बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक में दोस्तों फार्मर्स को पता होता है कि हमें ग्रोथ स्टेज में सीडलिंग्स में क्या देना है, नाइट्रोजन देना है, कितना नाइट्रोजन देना है, उसके बाद जब प्लांट्स बढ़ते हैं तब फास्फोरस कितना देना है, फिर जब बडिंग होती है तब क्या देना है, उसके बाद जब फ्लावर्स आते हैं तो फास्फोरस और पोटाशियम बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जब फ्रूटिंग होने लग जाए, फ्रूट का साइज इंक्रीज करना हो, उनको अच्छा बीक करना हो तो पोटाशियम देते हैं, सल्फर देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो देते हैं। तो इसीलिए जो है इनऑर्गेनिकली फार्मर्स जो है बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जो है अभी हमारे साइंटिस्ट लोग, कृषि विज्ञान केंद्र के बहुत से मेंबर लोग जो है, बहुत से हमारे गार्डनर्स लोग जो है ऑर्गेनिक के ऊपर अभी एक दौड़ लगी है। तो उसके ऊपर मैं भी जो है बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, मेरे प्रोफेसरों से बात हो रही है, फाउंडर के प्रोफेसरों से, बहुत से लोगों से, और मैं फाइनली अब जो है मैं खुद की कंपोस्ट भी जो है वो ऑर्गेनिकली जो सारे अलग अलग मेथड से उगाता हूँ। जैसे अभी आप देखें ये मेरी एक कंपोस्ट है, मैंने सिर्फ और सिर्फ केले से पोटेशियम बना रहा हूँ। फिर एक मेरी वहाँ पे ये आप देखिए, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ शुगर कैन भरा है गन्ने का माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, खाली एक खाद में शुगर कैन की बना रहा हूँ, एक खाद पत्तों की मैंने अलग बनाई है, गोबर खाद अलग बनाई है, मेरे पास वर्म बीन है उसमें वर्मी कंपोस्ट अलग बना रहा हूँ, उसमें मैं फास्फोरस का इंटेक रख रहा हूँ, रॉक फॉस्फेट मिला रहा हूँ। ऑर्गेनिकली मतलब मैं हर न्यूट्रिएंट को जो है अलग अलग प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको भी फिलहाल किसी दिन सब के ऊपर एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक है, मेरी वीडियो की लाइन बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी डिस्क्राइब करूँ, बताऊँ कि पोटेशियम ऑर्गेनिकली सबसे बेस्ट और सबसे आसान सोर्स क्या है। तो है वो बनाना पील, ठीक है, ये जो केले के छिलके है ये है। अभी मैं इसको ड्राई करके इसको धूप में सुखाऊंगा, फिर ये जब बहुत विद इन अ वीक जो है ये हार्ड हो जाते हैं, फिर इसे मैं क्रश कर लूंगा और इसका पाउडर बनाऊंगा और वो पाउडर जो है वो सॉइल में मैं ऐड करूंगा फॉर पोटेशियम के लिए, ठीक है। अब सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी ये है मेरा बनाना पील वाटर। मैंने कैन में जो है वाटर लिया, ठीक है, और उसमें मैंने जो है बनाना के बहुत से छिलके मिला दिए अंदर और उसके बाद मैंने इसको एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको किसी डार्क जगह पे रख दिया या शेड में रख दिया, सो सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इसे शेक करते रहता हूँ क्योंकि एयर टाइट होता है। और तो विद इन अ 3 डेज जो है ये बनाना पील से वाटर में पोटेशियम एक्सट्रैक्ट हो जाता है और हमको ऑर्गेनिकली पोटेशियम का सोर्स मिलता है। अब इसका रिजल्ट क्या है तो आओ दोस्तों, आपने सुना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो अब तक मैंने को पोटेशियम मैंने ऑर्गेनिकली यूज़ किया है उसका रिजल्ट क्या है। ये मेरा लेमन प्लांट है, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, 3 से 4 बार फ्रूटिंग हार्वेस्ट कर चुका हूँ। एक टाइम था दोस्तों फ्लावर्स आधे गिर जाते थे, आधों का लेमन बनता था लास्ट ईयर के, पिछले टाइम के अभी भी पड़े हैं बहुत से लेमन लगे हुए हैं मेरे। ये लेमन है, ये लेमन है और भी लेमन है, लेकिन लास्ट मैंने पोटेशियम का इंटेक जो बढ़ाया है उससे क्या हो रहा है कि मेरे कोई भी फ्लावर जो है वो गिरे नहीं और सबके सब फ्रूट में चेंज हो रहे हैं। आप ये देखें सबके सब फ्रूट बन रहे हैं, ये आप देखें यहाँ पे देखें सबके सब, मतलब फ्लावर्स जो सारे फ्लावर्स जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये पोटेशियम का जो सही इंटेक है और मैं ऑर्गेनिकली सिर्फ और सिर्फ सॉइल में बनाना पील पाउडर डालता हूँ और इसमें वाटर डालता हूँ। और ये आप देखें ये नींबू, ये ओ ये मेरा फिक अंजीर, देखिए आप ये लगा हुआ है, यहाँ अंजीर, यहाँ अंजीर, यहाँ भी अंजीर है, यहाँ भी अंजीर है। और मैं क्या दिखाऊँ आपको, जैसे पोटेशियम का ये आप देखें अनार के फ्लावर्स कितने हैं, बहुत से फ्लावर हैं। और अनार के जो है मेरे को एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या हुआ कि बहुत जल्दी फीमेल्स फ्लावर आ रहे हैं मेरे। आप देखें फीमेल फ्लावर जल्दी नहीं आते बट इसके इससे बहुत फ्लावरिंग हो रही है और जल्दी जो है फ्लावर गिरते भी नहीं है। और आप देखें इसमें मेरे बेर लगे हैं, मैंने 2 बार बेर खा चुका हूँ, इसके ऊपर मेरी वीडियो मैंने शायद से अपलोड नहीं किया, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसमें देखिए फ्लावर्स कितनी हुई है, हर जगह पर फ्लावरिंग फ्लावरिंग, यहाँ फ्लावर, यहाँ फ्लावर। और हर मजे की बात क्या है कि हर फ्लावर फ्रूट बन रहा है, हर फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। देखा आपने ये मेरे लेमन और ये चाइनीज लेमन और उप्स ये तो मैंगो है, सॉरी ये लेमन नहीं है, ये भी देखो मेरा मैंगो पॉट में लगा हुआ, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी फ्लावर से, मैं इसके ऊपर किसी ने राइप इसके ऊपर पूरी वीडियो चल रही है किस तरह से इसका साइज इंक्रीज करना है, फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करना है, सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो ये है बेनिफिट पोटेशियम के और ये ऑर्गेनिकली दिया जा रहा हो। तो ऑर्गेनिकली सबसे अच्छा, सस्ता और कबाड़ से जुगाड़, जो कि मेरी थीम ही हो गई है, तो कबाड़ से जुगाड़ वाला है ये बनाना पील वाटर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा, मैं आपको बाकी न्यूट्रिएंट के बारे में किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा, मैं सारी की सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।